नमस्कार दोस्तों, जानकारी के खजाने में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम चलते हैं माता तरकुलहा देवी के मंदिर। यह गोरखपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर अपनी विशेषताओं के कारण काफी प्रसिद्ध है। वैसे पहले इस इलाके में जंगल हुआ करता था, जहां जंगल में डुमरी रियासत के बाबू बंधु सिंह रहा करते थे। नदी के तट पर तरकुल के पेड़ के नीचे पिंडिया स्थापित कर वह देवी की उपासना किया करते थे। तरकुलहा देवी बाबू बंधु सिंह की इष्ट देवी थी। बंधु सिंह गुरिल्ला लड़ाई में माहिर थे, इसलिए जब भी कोई अंग्रेज उस जंगल से गुजरता, बंधु सिंह उसको मार कर उसका सर काट कर देवी माँ के चरणों में समर्पित कर देते थे। घने जंगल में होने के कारण अंग्रेज उन्हें पकड़ नहीं पाते थे। अंग्रेजों ने अपने गुप्तचर उनके पीछे लगा दिए। बाद में वह पकड़े गए। अंग्रेजों ने उन्हें अदालत में पेश किया, जहां उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 12 अगस्त 1857 को गोरखपुर में अली नगर चौराहा पर सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटकाया गया। पहले आर्य नगर हुआ करता था। बताया जाता है कि अंग्रेजों ने उन्हें 6 बार फांसी पर चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। हर बार फांसी का फंदा टूट जाता था। इसके बाद बंधु सिंह ने स्वयं देवी माँ का ध्यान करते हुए मन्नत मांगी कि माँ उन्हें जाने दे। कहते हुए बंधु सिंह की प्रार्थना देवी जी ने सुन ली और 7वीं बार में अंग्रेज उन्हें फांसी पर चढ़ाने में सफल हुए। अमर शहीद बंधु सिंह को सम्मानित करने के लिए यहाँ एक स्मारक भी बना है, जो वीडियो में आपको दिखेगा। यह देश का इकलौता मंदिर है, जहाँ प्रसाद के रूप में मटन दिया जाता है। बंधु सिंह ने अंग्रेजों के सिर चढ़ा के जो बलि की परंपरा शुरू करी थी, वह आज भी यहाँ चालू है। यहाँ पर अब बकरे मुर्गे की बलि चढ़ाई जाती है। उसके बाद उसी मांस को मिट्टी के बर्तनों में पकाकर प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इसके साथ बाटी भी होती है। मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ जो भी लोग मान्यते मांगते हैं, वह पूरी होती है। तो आप भी इस नवरात्रि माँ तरकुलहा के दर्शन कर आइए, अपनी समस्याओं को बता आइए। माँ आपकी समस्याओं को हमेशा दूर करेंगी। धन्यवाद।